नहीं आ रहा यार, करंट नहीं आ रहा। हाँ जी, अपने अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ और हम निकलते हैं मेघालय की बेहद खूबसूरत लाइटलूम लोकेशन पे, जिसका नजारा बवाल है। दो पहिए की गाड़ी पे घूमने का यही सबसे अच्छा मजा है कि जहां खूबसूरती दिखी नहीं वहीं अपनी गाड़ी खड़ी कर लेनी है और कैद कर लेना है इस खूबसूरती को अपने दिल में और अपने कैमरे में। लाइटलूम लोकेशन पे पहुंच के सबसे पहले हमने शुरुआत की अपने पेड़ पूजा के साथ, चाय और मैगी। और फिर हम लोग चल दिए लाइटलूम के व्यू पॉइंट्स पर। मुझे बताया कि ये जो रास्ता है ये फिलहाल ही बना है, इससे पहले कोई रास्ता नहीं था। लाइटलूम लोकेशन मेरे लिए इसलिए भी खास थी कि यहाँ पे लोगों की भीड़ नहीं थी। ये लोकेशन इतनी बड़ी है कि शायद तुम्हारा एक दिन भी कम पड़ जाए इस पूरी लोकेशन को देखने के लिए। वो देख रहा है, उसी के लिए फेमस है। कौन सा? वो देख रहा है, गांव है एक पूरा। अच्छा, दिल्ली का 3000 सी वहां कौन कौन कितना बजे निकला नीचे से? कितना टाइम लगा भाई नीचे जाने में? तो ये कहां तक नीचे जाएंगे? वो गांव तक? ये पूरा रोड वो गांव तक जाता है। देख रहा है वो लोग आदमी उठ रहा है, उसकी सुबह निकला होगा 6 तो। जैसा बताया कि एक गांव बसता है नीचे और वहाँ से काम करने वाले लोग डेली तकरीबन 3000 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं अपना ज़रूरतमंद का सामान साथ लेके। लाइटलूम में बड़े ही फुर्सत से टाइम स्पेंड किया और फिर यहाँ से कोई अदर लोकेशन पे जाने का दिल भी नहीं किया। काफ़ी कुछ बताया बंदे ने लाइटलूम के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, काफ़ी बातें हुई, चाय भी पी और इस प्रकृति की खूबसूरती में अपन भी दिल खोल के झूमे और इन पलों को बड़े ही दिल से जिया। चाय टाइम। ये इंसान एक मौका नहीं छोड़ा चाय पीने का, चाहे वो लेमन टी हो, अदरक टी हो, कोई भी टी हो। और यहाँ पे हमें मिली लेमन टी जो कि एकदम फ्रेश लेमन की बनी हुई थी और उसे पीने का अलग ही मज़ा था। पागल औरतें,
रही है हमारे साथ कुछ नहीं रहा यार, रिकॉर्डिंग चल रही है तो फिर बीच में पागल हो रहा था। ये गाना नहीं चल रहा, मैं क्या करती? तने लगाया ऐसा है, थोड़ी आगे लगा दिया क्या? स्पीड पोस्ट कर, आगे स्पीड पोस्ट कर। और इसमें सिनेमैटिक में चलाना है, जरा सा झूम लूं पे करेंगे। हाँ। इसी पे पहली पहली बार मोहब्बत की है। हाँ, यही चाहिए, यही चाहिए। और लगाओ भाई, लगा बेला लड़का वड़का चाहिए तो वो लड़के खड़ा हो जाए यार, तेरे संग तो शूटिंग करेगी ये ना यार, प्लीज पहली पहली नहीं, मेरे साथ तो क्या ही करेगा। आ जाओ आप ही आ जाओ, कौन सा है ये वाला हीरोइन वाला ये वाला? दिल्ली वालों से मिलिए जो अपना दिल्ली का दिल लेके मेघालय की वादियों में अपने ही अंदाज में एंजॉय कर रहे थे, और इनसे हमारी मुलाकात लाइट लूम में हुई। इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके एक पल को भी नहीं लगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं, और इतना कंफर्ट जोन शायद ही हमें पहली मुलाकात में किसी के साथ आता है। एक दिल से शुक्रिया है कनिका को, क्यों ये थोड़ा आगे चल के बताते हैं। इस पूरे ट्रिप में एक गलती मेरे से हुई कि मैंने नए जूते पहने थे और ऊपर से एंकल सॉक्स, जिसकी वजह से मेरे दोनों पैरों में छाले पड़ गए थे। और जब ये बात कनिका को पता लगी कि मुझे चलने में दिक्कत हो रही है, उन्होंने बिना सोचे समझे मेरे से सॉक्स एक्सचेंज किए, और उनके सॉक्स पहनने के बाद जो रिलीफ फील हुआ, मेरे जूतों ने जो काटना बंद किया, तहे दिल से शुक्रिया है दिल्ली फरीदाबाद की छोरियों ने, सही में नाइट लूम में आग लगा दी थी। ओ भाई दिल्ली की गुंडा कर दी, दिल्ली की गुंडा कर दी। हाय दिल्ली, हाय दिल्ली, हाय दिल्ली, हाय दिल्ली। ये देखिए आप शिलोंग के लौंग 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 जंगा में हैं, और यहाँ दो, और यहाँ पर दो ये NCR की लड़की। और फाइनली इनके पसंदीदा गाने पे इनकी रील बन गई, और हम दोनों की टांग खींचने लगे। इस जगह की खूबसूरती के लिए मेरे शब्द भी कम पड़ गए हैं। तकरीबन 4 घंटे बिताने के बाद अब मेघालय को अलविदा कहने का टाइम आ गया। कुछ चीज़ें अधूरे छोड़ के जा रही हूँ, और कुछ बहुत खूबसूरत यादें अपने साथ लेके जा रही हूँ। जो चीज़ें अधूरी रह गई, जो जगह अधूरी रह गई हैं, वादा है मेरा वापस फिर आना है इसी मेघालय में, और वापस फिर दिल से जीना है उन्हीं लम्हों को कुछ नई जगहों के साथ। मेरे पास 2 ही दिन थे मेघालय की खूबसूरती के लिए, लेकिन सच बताऊं, इन 2 दिनों को बड़े ही इत्मीनान से जिया है मैंने। एक रोज जब अपन अपनी जिंदगी के पन्ने को पलट के देखेंगे, तो सच बताऊं दिल से एक ही बात आएगी, ऐ जिंदगी तेरा शुक्रिया।